Sharma Show. अरे हाय लॉटरी कहाँ से आ रही हो? मैं अभी पार्टी में थे. क्या? हाँ मैं एक पार्टी गया था. पार्टी गया था? हाँ. अरे तुम पार्टी गया था, मैं इधर खड़ी थी. इधर कम कम. अरे मुझे क्यों नहीं लेके गई साथ में यार? मैं तो पता है मोहल्ले का, मेरे को भी साथ में ले चलती, मैं भी साथ में चलता. लेकिन आपको नहीं बुलाया तो कैसे ले सकते? देखो जो आदमी मार्केट में चलता है वो किधर भी चलता. अच्छा तो कोई ऐसा मतलब ऐसे दिमाग में टेंशन रखने का. और मैं तो आपको, तुम्हें पता है लॉटरी पूरे मोहल्ले में ना मैं ही पढ़ा लिखा आदमी हूँ. मैं तुम्हारा हाथ भी पढ़ सकता हूँ. बताओ. हाँ देख वाह क्या किस्मत है मेरी. मेरी जो मुझे ये बताने का मौका मिल रहा है कि तुम्हारी किस्मत में बहुत अमीर बड़ा पति है. तुम्हारी किस्मत में बड़ा आदमी. बहुत बड़ा आदमी. बहुत कार भी है. कार बहुत ज्यादा कार है. अच्छा 50 कार है तो तुम्हारे अंगूठे भी दिख रही है मुझे को. अच्छा हाँ बाकी 40-40 उंगलियों की पकड़ लो. वाओ ओह माय गॉड. और बाकी की हथेली पे पूरा एयरपोर्ट बना हुआ है. बहुत वाओ. लेकिन मुझे ट्रेन ज्यादा पसंद है. ट्रेन भी है. दूसरे आदमी देख लेते हैं ट्रेन. ओह छोटी लाइनें बड़ी लाइनें गाड़ियां दौड़ रही हैं. चुक 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 गाड़ियां दौड़ रही थी. चुक 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 सामने ऑटो आ गया. लॉटरी क्या कर रही हो यहाँ? ये मेरी हाथ देख रहे. ये तुम्हारी हाथ देख रही तुम्हें समझ में नहीं आएगा. तुम अंदर जाओ, बेड नंबर 3 के पेशेंट को ग्लूकोज चाहिए. लेकिन ग्लूकोज कहाँ है? तो पेशेंट भी कहाँ है? अंदर जाओ. अब मुझे पता चला आदमी के हाथ से लॉटरी निकल जाए कितना दुख लगता है उसको. पप्पू अब तुम्हें इधर उधर देखना बंद करना चाहिए और तुम्हें उस लड़की की तरफ देखना चाहिए जो तुम्हारी दुल्हन बन सके. मैं तो देख ही रहा था उसकी तरफ, तू बीच में आ गई. मेरी तरफ प्यार से देखो, शायद तुम्हें दुल्हन नजर आए. और ना आए तो बोलना. नहीं आई. अब बताओ क्या बोलूं? कब मुझे जोशी ने कहा है कि मेरे पति का नाम के से शुरू होगा और तुम्हारा नाम के से है. मेरा के साइलेंट है, मेरा नाम अप्पू है. लेकिन हम सब कप्पू बोलते हैं. के फॉर कप्पू. मतलब सीधी सीधी ना सुननी है तूने. हेलो लाल, मेरी बेटी को छेड़ रहे तो? अब मैं नहीं छेड़ रहा आपकी बेटी को, इसको मेरे अंदर दूल्हा नजर आ रहा है. बेटी तेरी आंखें खराब है, तेरे पापा डॉक्टर ने तूने मुझे बताया नहीं है. मैं तेरे को ना एक ऐसा इंजेक्शन लगा के दूंगा जिससे तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी. तेरी शादी सीधी सुरेश रैना से होगी, देखना. डैडी सुरेश रैना की शादी हो चुकी है. तो ठीक है मैं उसको कुंवारे वाला इंजेक्शन लगा दूंगा. तू अंदर चल. अरे लेकिन अच्छा ठीक है मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन कप्पू से प्यार से बात करना, वो आपके होने वाले दामाद हैं. एक काम कर, मेरा ये हाथ लेके जा, इसको संभाल के रखना, ये तेरा होने वाला थप्पड़ है. आप भी जाओ अंदर, अपनी बेटी की आंखों का इलाज करो. मेरे को शादीवादी नहीं करनी उससे. देखना मेरी शादी तो किसी ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से होने वाली है. अच्छा ऐसे कभी मत बोलना. मेरे बेटे ने ऐश्वर्या राय को अपनी मम्मी बोला था, गाँव में मेरी बीवी को पता चल गया, आज मेरी बीवी मेरे को पीटने के लिए आ रही है. और जान दो डॉक्टर साहब इसकी बातें छोड़ो, ये तो इतना पैदाइशी घबराया हुआ है. आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना, डॉक्टर आके इनके घर वालों का था कि मुबारक हो आपके यहाँ घबराहट हुई है. और जब ये पैदा हुआ डॉक्टर इनको कहते हैं आपके घर में हड़बड़ाहट हुई है. वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप जब पैदा हुए थे आपके आपके क्या हुआ था? जब मैं पैदा हुआ तो थोड़ी सरसराहट हुई पहले, फिर बड़बड़ाहट हुई, फिर मरमराहट हुई, फिर खटखटाहट हुई. अच्छा तो पैदा कब हुए? उसके अगले दिन पैदा हुआ ना. तुम अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे. सपोलिया गांव की रहने वाली है और उनके वहां रह के वो नागिन जैसी जहरीली हो गई है. वो शक बड़ा करती है. अच्छा जब मैं सोया होता हूँ थप्पड़ मार के मेरे को उठाती है, कहती है अकेले अकेले किसके सपने ले रहे हो. ओहो अच्छा भी जो इसकी शक्ल जैसे वाले पति पे शक करती है ना, वो क्या होगी यार? वो आई कांट गेस. I can't because I'm a doctor. I'm not a more than doctor. एक बार तो मैं ससुराल में गया, मेरे पजामे में नाड़ा ने सांप डाल के दे दिया. बताओ. ओहो तो अच्छी बात है ना, तुझे नाड़ा बांटने की जरूरत नहीं, सांप ने अपने ऐसे कुंडल मार लिया होगा. बेल्ट बना लिया होगी. लॉक कर लेता सांप. और जब मैं मार्केट में गया और तब बुरा इतना ज्यादा हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. बीन की आवाज सुनकर सांप तो चला गया, मेरी तरफ मार्केट ऐसे देख रही थी जैसे नया नया कोई मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है. अच्छा ये तो शादी के बाद की बात है. मैं आपको शादी के टाइम की बात बताता हूँ. जैसे फेरे खत्म हुए ना, हाँ.
तो ये आदमी फेरों के बाद कहता चाय है चाय है चाय है, चाय बेचने लगा। आप ऐसी शादियों में जाते क्यों? चार बातें मिल जाती है ना करने के लिए, वरना भी मैं क्या बताता तुमको, मेरे पास कोई किस्सा ही नहीं होता। डॉक्टर साहब मैं करता क्या, ससुराल वाले मेरे को बार बार पूछ रहे थे लड़का करता क्या, मैंने करके बता दिया। अच्छा वाह वाह, इसका मतलब तू फायर ब्रिगेड वाला होता तो उधर आग बुझा के दिखाता। अगर तेरी प्रिंटिंग प्रेस होती तो वहां न्यूज पेपर निकाल के दिखाता। अगर तेरा कटिंग सलून होता तो अपनी सास गंजी करके दिखाता। अगर तेरा पेट्रोल पंप होता तो हवन कुंड में पेट्रोल डाल देता। अगर तू एयरफोर्स में होता तू क्या बम चला के दिखाता। अपनी बातें कर लो, मैं बाहर में आता। एक मिनट इधर आ, कर लो आज जितनी मर्जी बातें कर लो, आज का दिन आपका है। मेरी बीवी आने वाली है, आपकी बोलती बंद करा देनी उसने, देखना। बोलती तो इनकी बंद करानी पड़ती है ना, मेरी तो डॉक्टरी है, डॉक्टरी पहनती है। I will just check the patient number 3, he was critical. मैडम जी पहुंच गए, बाहर आ जाइए। एक मिनट, कम बख्तो, नाच पीटो, हराम खोरो, हाँ, ऐसी डोली बनाई है कम बख्तों ने, चारों तरफ फट्टे लगा दिए, बैठने के लिए कुछ लगाया ही जमीन पे। जहाँ से डोली उठाई थी वहां से भागती भागती आ रही उनके पीछे, रुको रुको। ठंडाई और ठंडाई, तुम आ गई। ओ, अब यहाँ। भाभी जी नमस्ते। अच्छा भाभी है। नमस्ते नमस्ते देवर जी। एक मिनट, काहे की नमस्ते? कुछ शगुन वगन बनता है ना तो दो दो शगुन तो दो। यार भाभी कमाल कर रही है, आपको मैंने दस अपना लंगोटिया यार दे दिया, और आपको क्या चाहिए? लंगोटिया यार दे दिया, यूं कहिए देवर जी लंगोटी जैसा यार दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मुझे ना तांबे का लोटा दे देते, जिंदगी भर एहसान मानती मैं। ओए चंदूदरा, तेरी सच्ची में शादी हुई कि तूने किसी का उधार देना था, जबरदस्ती टिका गया वो। देवर जी मजाक कर रहे हो, हंसा दिया आपने। अरे पता है ये भी बड़ा अच्छा हंसाते हैं। पता है देवर जी, सुहागरात वाले दिन ना सारी रात मुझे चुटकुले सुनाते रहे। नहीं तो ऐसी बीवी है तो आदमी चुटकुले सुनाएगा? जहाँ कॉमेडी करनी वहां की नहीं है, सुहागरात में कॉमेडी करता रहा, लाना था तेरे पे बे। पर हिम्मत कैसे हुई मेरे डियर हस्बैंड की मजाक उड़ाने की? हाँ कभी केतली जैसा मुंह, कभी फटी चाय जैसा मुंह। अब बेचारे रात को बचपन में एक बार गिर पड़े बेड से, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसे मजाक उड़ाने वाली क्या बात है दुनिया के सामने, ये कैसे दोस्त है? मेरी बात सुनो। हाँ? ये बचपन की तुम्हें बातें कैसे याद रह गई? तुम्हारी माँ ने बताई, कह रही थी बहू इसे ना बिस्तर के बीच में ही सुलाना, साइड में सुलाओगे ना गिर जाएगा ये। इसीलिए रात में एक तरफ मैं सोती हूँ बिस्तर पे, एक तरफ बच्चे को सुलाना पड़ता है, और इसी चक्कर में देवर जी बच्चा पैदा करना पड़ा इतना जल्दी। तो आपको क्या बच्चा पैदा करने की जरूरत थी, आप तकिया ले लेती। 400 रुपए का आता है तकिया, बच्चा तो फ्री में पैदा हो गया। बच्चा कहाँ गया? अरे हाँ बच्चा याद आया, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ कहाँ है? अरे वो बच्चा मेरे घर में खेलने गया, मैं भेजता हूँ अभी। घर में बस तुम खेलते रहे, बच्चा पड़ोस के घर खेल रहा है, आने दो, एक एक मिनट का हिसाब लूंगी आज। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? मम्मी आ गई। ओ मेरा लाल, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत तेज, मेरी पहुंच से भी आगे निकल गई। क्या? एक मिनट, ये सिखाया बच्चे को, देखा बच्चा बिगड़ गया तुम्हारे साथ रह के। हाँ याद है, मैंने घर में टीवी पे देखा था, टीवी पे देखा था ये ऐश्वर्या को माँ बुला रहा था, मम्मी बुला रहा था तू उसे। अरे वो तो पापा ने 50 रुपए दिए थे इसलिए बोला। 50 रुपए दिए थे क्यों जी? मेरी सुहागरात ने मुंह दिखाई तो 12 रुपए दी थी। वो तो घूंघट उठाने से पहले 12 रुपए दिए थे ना, जैसे मैंने शक्ल की मैंने तो कंगन भी उतार लिए थे। ये बताओ सीधे सीधे कि ऐश्वर्या को मम्मी क्यों बुलवाया? ऐसे तो अभिषेक को भी पापा बोला था इसने। अरे वो तो रिजर्व करती हूँ मैं। अच्छा खजूर बेटे तुम अंदर जाके खेलो जरा। क्यों पापा? क्योंकि यहाँ पर वो होने वाला है जिसको देखकर तुम कभी भी पापा बनने के बारे में नहीं सोचोगे। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। अब भाभी जी क्या आप यार, ओ वैसे बेचारे पे चढ़ रहे हो, इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो ऐश्वर्या को बिल्कुल बहन मानता है, लाइन तो ये लॉटरी पे मारता है जो इधर रहती है। लॉटरी कौन है? मेरे को रहती है। एक मिनट, ए लॉटरी,
ए लॉटरी कौन है तू, बाहर निकल। अरे आ जाने मन, देख मैं आ गया, आज जुम्मा है। शर्म नहीं आती दूसरों के पतियों पर डोरे डालते हुए? मैंने क्या किया? अब भाभी जी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ एक। आप देखिए, उसकी वाइफ है, इधर आइए। मैं इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। वो तो ये डॉक्टर है ना, जो वो कभी कभी उसको दारू पिलाया जाता है तो ये लुच्चा हो जाता है, अदरवाइज ठीक है बंदा। सारा कसूर इस डॉक्टर का है। बिल्कुल डॉक्टर से नहीं बटती हूँ पहले। अरे ओ डॉक्टर, बाहर नाचने के लिए नहीं बुलाया मैंने। तो फिर मार खाने के लिए बुलाया, तैयार हो जा। नहीं नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं मानता हूँ मेरे से गलत ऑपरेशन हुआ था। दोपहर को लोग आ गए थे, मेरे को मार के चले गए थे। अब मारने की कोई जरूरत नहीं। कम सुनता है क्या? हाँ। अरे ये कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मिलके मेरे पति को बिगाड़ दिया, समझ रहा है? समझ ले, कान खोल के सुन ले। देखिए मैडम, जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना एक रूल बता दूं। क्या है? मैं लेडी से मार नहीं खाता। ओ। आप चाहें तो लेडी वर्सेस लेडी आप करिए, जो भी करना है आपको। मैं लेडी से नहीं खाऊंगा, मैं मैं आपके हिस्सा का मार क्यों खाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक काम करें ना, मेरे और इसके हिस्से का डॉक्टर को पीट दीजिए आप। हाँ। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की मार खा लो है? तुम अपने हिस्से का कभी मुझे संतरा तो देते नहीं, 12 फाड़ियाँ होती है, एक फाड़ी नहीं दी तुमने कभी मेरे को है? मैं मार खा लूं। एक मिनट कप्पू, क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं रानी, डीसी बज रहा है। डीसी? डीसी नहीं, डीजे बजता है आज। डीसी बज रहा है, डॉक्टर और चंदू दोनों बज रहे हैं, उसकी बीवी आई है। अरे वहाँ चंदू की बीवी है, किधर? यहाँ चंदू, केटली से छोटी बीवी रखी है तूने? क्या कहा केतली? एक मिनट, कौन है यह बुढ़िया, इसको समझा दो, ऐसे लोगों में मेरे हाथ पांव ऐसे उड़ जाते हैं। हाँ तो मैंने भी कोई बंगड़िया नहीं पहन रखी है। शाबाश शाबाश नानी, एक मोहल्ले में तू ही मर्द, छाजा 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 नानी। पहले तो मैं डॉक्टर को पीटूंगी। कहाँ है वो? ये रहा। क्या बे, यहाँ छुप गया? सबसे पहले तो मैं तुझे पीटूंगी ताकि तू हम में से किसी का इलाज ना कर सके। ये ले। आज सिद्धू पाजी की तबीयत ठीक नहीं है, सो इसलिए वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। गेट वेल सून पाजी, वी आर मिसिंग यू। अच्छा, जब भी हमारे शो में कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, और आज मेरी खुशी दुगनी है, बिकॉज आज यहाँ पर जो आ रहे हैं ये बड़े ही यंग हैं, छोटी उम्र में इन्होंने म्यूजिक फील्ड में बड़ा अच्छा नाम बना लिया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर अमाल मलिक और अरमान मलिक। एक बार अरमान और अमाल के लिए जोरदार। अरे आपको तो मिल लिया था। अरे हाउ आर यू यार, ये इतनी छोटी उम्र में इतना इतने, मैं मुझे लगा पहले मैं दो बार मिल चुका हूँ, एक तो दोनों सगे भाई हैं, पता नहीं चलता है। आ जाओ। अच्छा सबसे पहले तो मुझे तो पता है, पहले हमारे दर्शकों को क्लियर करो कि अरमान कौन है, अमाल कौन है। मैं अरमान हूँ। ये अरमान है। मैं अमाल हूँ। ही इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, ही इज 24। बहुत जल्दी थी इनको हिट होने की। मैंने ये बात इनसे इसलिए पूछी बिकॉज जब भी कोई जोड़ी हिट होती है ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे अब दिनेश बोल रहा था अब्बास मस्तान अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, मैंने कहा वो दो अलग अलग लोग हैं, अब्बास भाई अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, मस्तान भाई उनके चाचा हैं। सो आप सबने देख लिया, ये अरमान है और ये अमाल है। अरमान जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये भी बहुत अच्छे सिंगर है, पर इनका इंटरेस्ट ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्शन में है। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ यहाँ पे
विराजमान हो जाइए। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप दोनों से पूछना है, आप मतलब स्कूल की पढ़ाई वगैरह पूरी की कि बीच में छोड़ के किताबें गिटार वगैरह पकड़ ली थी आपने? मैंने पढ़ाई पूरी कर ली अरमान, अभी आधी बाकी है अभी भी। आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं फर्स्ट ईयर खत्म हो गई मेरी, सेकंड ईयर फिर भी अभी भी। तो कौन से सब्जेक्ट्स में कर रहे हो अरमान? मैं वो कॉमर्स कर रहा हूँ। ऑलरेडी तुम हिट हो चुके हो, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? कॉमर्स नहीं समझ में आती है। मम्मी ने फोर्स किया कि आपको ग्रेजुएट। कहाँ है आपकी मम्मी? वहाँ पे बैठी हुई जो छुप रहे, वो हमारी मॉम कम हमारी बहन ज्यादा लग रहे। यार आपके घर में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है इतनी छोटी मम्मी रखी हुई आपने हाउ आर यू अरमान की मम्मी कैसे हैं आप? तो हाउ कम यू वाज जस्ट 2 इयर्स ओल्डर देन योर सन्स। तो ये आपकी ख्वाहिश थी कि अरमान कॉमर्स पढ़े, पढ़ाई करें, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी छूट दे दो यार उसको क्यों इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको? कॉमर्स बहुत इंटेलिजेंट है, 95% होल्डर है। अरे अरे अरे। अच्छा भगवान भी जिसको देता है उसको सुर भी दे दिया, उसको इंटेलिजेंस भी दे दी। हमसे होता ही नहीं था कुछ एक्चुअली। हमें तो 10th के एग्जाम होते थे, इतनी टेंशन होती थी। अच्छा जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते हैं ना अरमान जैसे, इनको ये होता है, इनकी भूख उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाने। हमारी भी भूख उड़ जाती है, हमारी भी नींद, हमें इसलिए उड़ जाती है कि जूते पड़ेंगे रिजल्ट के बाद, तो बचना कैसे है? एक्चुअली मम्मी टीचर है तो हम दोनों क्लेवर है, तो अच्छा वो थोड़ा सा आ गया हमें। आपने तो मेरे ख्याल से अमल 10th स्टैंडर्ड में आपने पोएम लिखनी शुरू कर दी थी, क्या किया था आपने? गाने लिखने शुरू कर दिए थे? जो भी क्वेश्चन होता था अगर मेरे को आंसर ज्यादा नहीं आता था तो 5 लाइन के बाद मैं गाना लिख देता था। तो आप क्या सोच के लिख देते थे कि आगे पेपर जो है वो गुलजार साहब चेक कर रहे हैं? मतलब आपको 4 नंबर अगर गुलजार साहब चेक कर रहे होते तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते, इतनी बुरी रिटन लिखी है। तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स आए आपके? हाँ पास हो गया बस उतना ही। मैंने डैड मॉम को ये बोला था कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ पास होना है, और पास होते होते 70% आ गए थे, मैं खुश था उतने में। आपने कभी कोई 35% वाला कोई आदमी देखा है? ये शख्स एक्सक्यूज मी आई गॉट 83% इन इंग्लिश। एक सेकेंड सीरियसली मैंने रट्टा मारा था, बट मैथ में आई गॉट ह्यूज 12 out of 100। ह्यूज 12 तो नहीं आया, तो नहीं आया भाई मैथ, और मुझे हिसाब किताब नहीं होता, तभी तो हम लोग 1 घंटे का शो बोल के 1.5 घंटे चला लेते क्योंकि मैथ में वीक है। एनीवेज तो आप मतलब शुरू से आपका आपको क्लियर था कि मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? म्यूजिशियन मैं पहले बना, पहले मैंने पियानो सीखा। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 10th में था तभी मैंने एक धुन बनाई और अपने डैड को सुनाई थी, तो वो ट्यून सुन के उन्हें लगा कि हाँ मुझ में एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने की यू नो एक क्वालिटी है, तो मैं फिर उसको परस्यू करने लगा। तो आपको कब लगा था आपने गाना गाना है? मैं बचपन से ही मतलब बचपन तो अभी भी चल ही रहा है आपका। मैं 4 साल का था एंड मम्मी बोलती थी कि मैं बोल भी नहीं पाता था और मैं गाता था। तो ये पहले बोलता नहीं था, सीधा गाना शुरू किया? वो अपने आप को गा गा के सुला लेता था, अपने आप ही लोरी अपने आप के लिए गा लेता था। ऑब्वियसली आप जॉब करती हैं तो बच्चा खुद ही सुनाएंगे ना लोरी अपने आप को, आप तो टीचर हैं। तो कभी मम्मी ने रोका नहीं आपको गाना गाना गाने से? ही आपको मम्मी की तरफ से था कि पहले पढ़ाई कर लो, डैड बोलते थे जितनी कम पढ़ाई करो उतनी अच्छी। ऐसे क्यों? तो दोनों को बस उनके हिसाब से ये था कि जो दिल कहता वो करो, पढ़ाई वढ़ाई। डैड का उल्टा था मतलब। हाँ, डैड उल्टे मॉम उल्टी, दोनों को बैलेंस करके हम यहाँ तक पहुँच चुके। इतनी उलट नेचर के बावजूद कहाँ से कहाँ मिले थे इनके पापा आपको पहली बार? कॉलेज लंबे हुई है। हाउ स्वीट। तो कॉलेज पूरा किया कि पूरा मतलब पहले बीच में ही शादी कर ली थी आपने? नहीं किया, आई हैव टॉप माय कॉलेज। तो बिल्कुल उल्टी नेचर के हैं इनके पापा, तो कैसे आपको पसंद आ गए वो? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अच्छा बड़ा कट टू कट जवाब होता टीचर का। हाँ, इनको पसंद। 2 लाइनों में उनको पता है कि 5 नंबर का सवाल है तो उतना लिखो, 2 नंबर का तो उतना लिखो। गुड, वेरी गुड मैम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा घर में आपके अनु मलिक साहब, अबू मलिक, आपके पापा डब्बू मलिक जी, आप जब सारी फैमिली कभी इकट्ठे होते हैं तो लोगों को ये तो नहीं लगता कि अभी ये कवाली शुरू कर देंगे, या क्योंकि आप सारे के सारे आर्टिस्ट हैं तो
कैसा माहौल होता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं? घर में सबसे शांत जो इंसान है वो सिर्फ मैं और अरमान है, बाकी मेरे अंकल अन्नू अंकल, बाकी कोई टेबल मिल गया तो ये मिल जाता है इधर झक 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 तुर तुम शुरू हो जाता है गाना, प्रेजेंटेशन हो जाता है कि यही फाइनल है, इससे पिक्चर आ जाएगी। तो तीनों भाई ऐसे हैं और हम थोड़े साइलेंट नेचर के, तो हम थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। आप मम्मी पे गए हैं बेसिकली? हां, मम्मी को फॉलो करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं अनुसर के मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, आप तो टेबल बोल रहे हैं, मेरी तो गर्दन पे भी जाना शुरू कर दिया। मैं इन्होंने एक शो किया था, मैं आप सबको बता दूं कि अरमान ने जो है वो इंडियन क्लासिकल में अपने दादाजी से, अपने गुरुजी से काफी सीखा है, और जो अमाल हैं उनका थोड़ा वेस्टर्न में उनका रुचि है उनकी। अमाल और अरमान का जो म्यूजिक है, जो इनकी आवाज है, ये आने वाली फिल्म दो लफ्जों की कहानी में भी सुनने को मिलेगा। सो उस फिल्म की जो स्टारकास्ट है, मिस्टर रणदीप हुड्डा और काजल अग्रवाल, वो भी कुछ समय पश्चात यहाँ पे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी एंट्री जो है आप उन्हीं के गाने पे करें। सो प्लीज हो जाए जरा आपके आने वाले गाने, प्लीज एक गिटार और माइक लेके आइए। अरमान और अमाल के लिए जोरदार तालियां हो रहे हैं, सुपर सुपर। और एक बार काजल और रणदीप के लिए जोरदार तालियां। आइए आइए बैठिए, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। You deserve Arman? To be on the rocking chair. How are you feeling? Sitting next to Kajal? Amazing. She's really beautiful. You did a great job. Thank you. This so is much. My favorite song, by the way. Thank you so much. सबसे पहले मैं रणदीप पाजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ यार, सरबजीत में आपने क्या कमाल का काम किया, मतलब चारों तरफ चर्चा हो रही सर आपकी। काजल बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आई हैं आप। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं कभी, मतलब क्योंकि टीवी शोज में, इंटरव्यूज में बहुत कम दिखाई देती है। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं काजल? मैं बंबई की हूँ, लेकिन मेरे रूट्स अमृतसर से हैं, जो आपके साथ कॉमन है। व्हाट? यस। कभी मिली नहीं अमृतसर में, मतलब आप कहाँ पे होते हो? आप तो यहाँ पे हो ना। अरे मैं उधर सड़क पे मिलता था कि मैं तो आपको पता है दो लफ्जों की कहानी में रणदीप पहली बार, ये पहली फिल्म है ना आपकी रोमांटिक? हाँ, इस तरह की रोमांटिक जो था पिक्चरें, तो मेरे को लगता है मेरे तो सारे कैरेक्टर रोमांटिक है, पर लोगों को नहीं लगता ये पर ये बोनाफाइड पहली एक रोमांटिक फिल्म है, प्रॉपर रोमांटिक, जिसमें लड़का लड़की के बारे में ही कहानी है, बैड मैन नहीं है इनवॉल्व। तो कैसा आप तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार इमरान हाशमी वाली फीलिंग लेकर? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, इमरान भी बहुत अच्छा है इसमें। इमरान हाशमी फीलिंग इसलिए आती है इस पिक्चर में क्योंकि गाने बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है, सब अच्छे लोग जब जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज बनती है। अच्छा, मैंने देखा कि एक दो मैंने एक फिल्म में देखी, शायद तेलुगु फिल्म थी, वहाँ पे जब रोमांस होता है तो मतलब जैसे ही लड़का लड़की की आंखें मिली तो हीरो ने बड़ी फटाफट लुंगी गरच करके ऐसे करी और लड़की ने ऐसे बाल झटके, तो पाजी 2 सेकंड में 250 लोग आते हैं, फिर वो 500 की स्पीड पर नाचते हैं घटक घटक। तो मतलब रोमांस अलग होता है, हर किसी का अपने तरीके का रोमांस होता है। आपको ज्यादा मतलब रोमांस करना बॉलीवुड में अच्छा लगा कि साउथ फिल्मों में? एक्चुअली ये पहली बार है जो मैं बॉलीवुड में रोमांस कर रही हूँ, तो मुझे आदत साउथ की है। okay. और बाल झटकने की है। सिंगम में नहीं था क्या? ज्यादा नहीं। अच्छा, वो रोमांटिक फिल्म नहीं, पुलिस की सॉरी थी ना, वो ज्यादा तरीके ड्यूटी पे रहे ना ज्यादा। अजय देवगन, हाँ मैंने ट्रेलर में देखा पाजी, आप 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हो। हाँ, फिल्म में तो कर ही रहे हैं, रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले सरबजीत के लिए आए थे, आज इसके लिए, उसके बाद सुल्तान भी आ रही है, उसमें आप बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं पाजी, मतलब कमाल है, ये तो अच्छी बात है। चलिए काजल अग्रवाल, काजल तो नाम बड़ा खूबसूरत है, अग्रवाल बड़ा खूबसूरत है, पर अग्रवाल सरनेम की कोई आज तक हीरोइन हुई नहीं इंडस्ट्री में, काजल पहली है। नहीं तो मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी, दोनों के पापा की स्वीट शॉप थी। चेन्नई में है, तो चेन्नई में एक स्वीट शॉप है कॉल्ड अग्रवाल स्वीट्स, तो सबको लगता है कि वो मेरे पापा की दुकान है, लेकिन नहीं है। तो वैसे आपके पापा क्या करते हैं, मतलब टेक्सटाइल्स? वो भी मिठाई वाले लगते हैं, कितनी स्वीट स्वीट लड़की है। सही बात, इमरती जैसी बेटी है उनकी ना। अरे आपने कभी नहीं बताया, इतनी बार मुलाकात हुई मैंने कभी नहीं पूछा भाजी आप कैसे आए थे मतलब फिल्मों में? मैं, हाँ, आपकी फैमिली में तो कोई एक्टर नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली में डॉक्टर हैं मोस्टली लोग, मेरे पिताजी भी यहाँ पे हैं। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? मुबारक हो, आपका बेटा लायक निकला। बहुत नाम कमा रहे हैं। कैसे सर आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप डॉक्टर हैं? मैं सर्जन हूँ। अच्छा, तो आपने कभी मतलब रोका नहीं रणदीप को कि तू फिल्म लाइन में जा रहा है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, किस्मत है, पता नहीं, ऐसा कभी रोका नहीं आपने? नहीं, बहुत रोका। अच्छा, और बोला भी कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज इसकी वजह से मैं आपके शो में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ स्वीट, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। नहीं तो अक्सर देखा जाता है
कि जो डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं उनके बच्चे कभी कभी कॉमेडियन बन जाते हैं, बट इन्होंने मुझे बोला था, मैं बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो पहले तो मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया था कि जी यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिपार्टमेंट है मेरे कॉलेज में, क्योंकि मैं पहले साल में फेल हो गया था, तो मेरे को लगा यार कि अब घर वालों को बताऊंगा फेल हो गया, ये हो गया, इससे अच्छा कि कोर्स ही चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है? हाँ, नई नई चीज़ें आती है। तो मैं बोला वही एक्टिंग वगैरह वगैरह, तो थोड़ी देर फ़ोन पर चुप्पी रही, फिर बोले भाई भांड बनना है तो घर ही आ जाए, एटलीस्ट हमारे साथ तो रहेगा। फिर मैं जब डिग्री ख़त्म करके आया तो मैंने बोला कि अभी देखो मुझे जॉब भी मिल गई है पर अब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला हम तो किसी को जानते नहीं वहाँ पे, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं बोला नहीं नहीं मेरे को करनी ही करनी है, तो बोला चल भाई तूने जो करना है कर, बुढ़ापे में हमारे ऊपर आगे बोझ मत बनना। चलिए आज तो अंकल आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप? चलिए, बहुत भगवान आपको हमेशा खुशी रखे, और बहुत बहुत गर्व होना चाहिए आपको अपने बेटे पे, और आपको भी होना चाहिए भाई। इजीली कह तो दिया ना उन्होंने, फिर भी ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहे थे, इंटरनेशनल कॉल पे आदमी इतना लंबा पॉज लेके डिसीजन ले रहे हैं, इतने पैसे पड़ जाते भाई। थैंक यू अंकल। काजल, मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है। पूछिए। आपने राजा मौली साहब के साथ एक फिल्म करी थी, साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली भी बनाई, बहुत कामयाब फिल्म रही, और काजल ने उनके साथ एक फिल्म में काम किया मगधीरा, जो कि बहुत बड़ी हिट रही। अच्छा, आप तो फिर उनको जानती हैं, तो ऐसे आप मतलब उनसे पूछ के हमें बता सकते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं बताएंगे? हेलो, ये आवाज कहां से आई? हाँ हाँ, अरे चुप कर जा, हाँ कोई चिंता मत कर, हाँ मैं जो तो लड़का है ना जो तेरे को धोखा दे के गया तो उसको मैं ढूंढ लूंगी, टेंशन ना ले। हाँ, यहाँ तो सारे लड़के हैंडसम लग रहे हैं मुझे, हैं कोई बात नहीं, एक अच्छा सा हैंडसम लड़का ढूंढ दूंगी मैं तेरे लिए, चिंता मत कर, प्यार मैं सिखा दूंगी उसको, ठीक है? चेहरा रख। अरे आप वही हो जो दिल्ली में भी आई थी? हाँ, तो फिर आ गई यहाँ पे, तुम अमृतसर से यहाँ आ गए, मैंने पूछा तुमको। अरे पता मेरे को वही कोइंसिडेंस, देखो मैं सुमन हुड्डा, मेरा भी सरनेम हुड्डा ही है। अरे वाह, हम तो भाई बहन हो गए। नहीं नहीं, भाई बहन कैसे हो गए? आपका जो हुड्डा उसमें छोटा हुआ है, मेरे हुड्डा में बड़ा हु लगा हुआ है। मुझे शक है आपका हुड्डा नकली है। नहीं नहीं, आप मेरा हुड्डा नाप सकते हो? इसमें क्या है? अपना हुड्डा बीच में मत उड़ाओ, मैंने तुम्हारा हुड्डा तोड़ देना, मैं पुलिस वाली हूँ। तो हुआ क्या, क्या आपकी सहेली, क्या मेरी सहेली को ना एक लड़का छेड़ के चला गया, धोखा दे के चला गया उसको, तो मैं वो ढूंढने के लिए आई हुई हूँ। अब ये बैठे हैं अरमान और अमाल, ये मतलब ये दोनों इतने छोटे हैं, इन दोनों को आपस में मिला दो तो तब भी लड़की को धोखा नहीं दे सकते, ठीक है? काजल क्यों धोखा देगी मेरी सहेली को, उसको क्या पड़ी बेचारी को? अरे क्या, मुझे पता था हुड्डा का लौंडा ही होगा ये जरूर, लड़की छेड़ेगा। एक काम करती हैं, एक मिनट कपिल सर, तो आपने लड़की को धोखा दिया? नहीं, मैंने तो नहीं दिया भाई। अगर नहीं दिया आपने मान लो, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे धोखा खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अगर आपको लगता है तो मैं खड़ी हूँ, मेरे को धोखा दे लो। अरे आप इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड है, आप क्यों धोखे खा रही? बाहर जाइए, आप धक्के खाइए आप। अब इनके साथ ना 5 मिनट भाग लो तेज तेज, अगर उसके बाद भी ये लड़की रही। मेरे को लग रहा है अगर मैंने कुछ कुछ भी किया तो धोखा मेरे साथ होने वाला है। ये सारे यहाँ पे बदमाश बैठे हो, तुम पुलिस वालों को सीरियसली ले नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा सबको चलान काट दूंगी, मैं उतार रही हूँ तुमको। क्यों, हमारा क्यों चलान काट रही? पहले तो अरमान और माल का चलान काटूंगी मैं। क्यों, किस बात के लिए? गाना बनाया सूरज डूबा है नशे में धुत में, ड्रिंक एंड सिंह के केस में चलान काटूंगी उनका। हनी सिंह तो रोज गाता है 4 बोतल वोद का, काम मेरा रोज का, उसको पकड़ो तो उसका तो रोज का काम है, रोज रोज मैं यही लगी रहूं क्या? और ज्यादा मत बोलो कपिल शर्मा, तुम्हारा भी चलान काट दूंगी मैं, बता रही हूँ तुमको। मेरा क्यों चलान काटोगे? मैं क्या कर रहा हूँ, तो शो ही चला रहा हूँ बस, और क्या किया? तो बिना हेलमेट पहने चला रहे हो ना सो तुम? क्योंकि जितनी स्पीड से तुम शो चला रहे हो ना, 3-4 दूसरे शो नीचे आ गए हैं, पता तुमको? क्या
और सबसे बड़ी बात, इतना ज्यादा बोलते हो ना तुम्हारा तो अरेस्ट करना बनता मैं तो कर दूंगा। कैसी चिंगम टाइप है आप, खिचड़ी जा रही है, अरेस्ट आप ऐसे नहीं कर सकती, आप वारंट है आपके पास। तो और क्या, ये क्या, मैं जन्मपत्री लेके आई हूँ। दिखाइए, चेक कर इंग्लिश में, तेरे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। हाँ क्या बकवास कर रहे, जूसर की वारंटी है ये? ये क्या है? हाँ तो पुलिस वाले भी तो आदमी को पकड़ के हवालात में जूस ही निकालते हैं। कपिल शर्मा, कानून के साथ मजाक नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जब कानून मजाक करता तो फिर हंसी नहीं आती, ऐसे समझ बोल तुमको। अरे क्या गिटार वाले, तू हंस रहा है? हाँ ऐसी जगह पे मारूंगी सारे शो में खड़े होकर गिटार बजाएगा तू। अच्छा हुड्डा साहब, आपकी FIR जो है ना हरियाणा में दर्ज हुई है, तो आपको मेरे साथ हरियाणा चलना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे चले, ऐसे कैसे, मैं तो कुछ करा भी। आपको कैसे पता रणदीप ही वो लड़का जिसने आपकी सहेली को धोखा दिया है? FIR मेरे हाथ में है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है FIR के अंदर, तो मैं दर्ज करूंगी करूंगी, देखना। ये लिखा है देखो जी, आपने लड़की को पहले बस स्टॉप पे बुलाया, फिर उसके बाद उसको पेड़ के पीछे लेके गए, छेड़ा उसको वहां पे जाके। करा इन्होंने? हाँ नहीं नहीं यार, मैं किसी को नहीं छेड़ा। और झूठ लिखा है क्या इसमें? और मैं तो ऐसे छेड़ता ही नहीं हूँ। तो फिर कैसे छेड़ते हो, छेड़ के बताओ, चलो खड़े हो, छेड़ के बताओ, अभी छेड़ना। किसको छेड़ना, किसको है? चलो मेरे को छेड़ दो, आ जाओ छेड़ दो थोड़ा सा, और क्या है। अरे पुलिस वाले, ऐ बहुत सुथरी दिख है, ऐ न्यू घर फिल्म देखने चलेगी? ऐ अंग्रेजी की हिंदी तने जो उनसी बढ़िया लागे, अंग्रेजी वाली बढ़िया हो है, फिर हिंदी में समझा दोगे? हाँ कति, कोने वाली सीट पे बैठेंगे और एक कोल्ड ड्रिंक में दो स्ट्रॉ लाके पियोंगे। अंधेरे को नजायज फायदा तो नहीं उठाओगे? नजायज फायदे का तो डर मेरे को लग रहा है। देखो भाई, पकड़ा गया, अब तो सजा मिलेगी, लड़की छेड़ी है, सारे आम छेड़ी है। चल तू दे ले, तेने जो सजा देनी है। सजा तो देनी पड़ेगी, अपना एक मिनट खड़े हो ना, सजा का टाइम है, आप इधर जाओ, सजा देनी है। आप उधर आ जाओ ना, उधर बैठ जाओ, वो तो रॉकिंग से है, रॉक स्टार के लिए। तो बैठो ना, मैं रॉकिंग करती हूँ, सजा तो मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। ये सजा दे रहा है या कुछ अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी कर रहा है? एक तो रा रा करना बंद करो अभी, करना घंटा लगता है हमको री है बनने में। हाँ सॉरी देरी है।
आई तो तुम अपनी सहेली के लिए थी, ये तुमने खुद शुरू कर दिया काम। तो सहेली तो निकली अंदर से और कौन निकला बाहर। हमारे शहर का गाना सुनाती हूँ। सुनाओ सुनाओ। आप सबके चाहने वाले यहाँ पे हैं और आप सबसे बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग बारी बारी से पूछ सकते हैं। जी हाय एवरीवन। हाय, कहाँ से आप? यूपी मुजफ्फरनगर। आप डांस करते हो? नहीं सर, सिंगिंग। तो आपके ब्रदर क्या करते हैं? जी सिंगिंग करते हैं। अच्छा, आप दोनों सिंगर हैं? आप? नहीं सर, मैं डायरेक्टर हूँ और ये सिंगिंग करता है। तो क्या डायरेक्टर मतलब किस चीज, क्या करते हैं आप? मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। अच्छा, मतलब अरमान अमान की तरह ही, मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर है, दूसरा सिंगर है। हाँ सर, दोनों यार, भाई है। प्लीज इधर आ जाओ आज, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, आप यूपी से हैं तो अखिलेश यादव को पता है आपने बालों का रंग ऐसे किया हुआ है? नहीं सर। यू हैव ए क्वेश्चन और यू वांट टू परफॉर्म समथिंग? यस। आज मैंने पहली बार देखा मेरे से भी बुरा हाल है किसी का इंग्लिश। तो जी, जो जो आप सिंग आई परफॉर्म। यस सर, मेरा सवाल, हाँ जी, अमोल सर एंड अरमान सर से है। सवाल तो मेरे भी बड़े हैं दिल में, पर मैं पूछूंगा नहीं। तो अरमान और अमाल से पूछना चाहते हैं हम। जी प्लीज सर, आपको देख के हमको भी लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें डायरेक्टर एंड सिंगिंग कल लगा कि हम करना चाहिए। पढ़ाई करना चाहिए, पहले तो शैम्पू करो। पढ़ाई कभी जी जी प्लीज सॉरी पढ़ाई कभी दिमाग में आई नहीं, तो सोचा कि डायरेक्टर सिंगिंग कर सकते हैं हम लोग, बन सकते हैं। तो सर आपको दिखाएं? जी जी प्लीज। थैंक यू सर। 1 2 3 स्टार्ट। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो एक था हुआ ना होटो से बया, उससे नाराज हूँ तू बे आवाज हूँ, मेरी खामोशिया है सजा, दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किसे आँख से कहूँ बता के तू मैं हूँ हीरो तेरा, के मैं हूँ हीरो तेरा। यार मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने कैसा गाया, पर आपने मुझे हर्ट किया ये गाना गा के। आपने मजाक किया था ना कि वो गाता है आप मेरा भाई? नहीं सर, गाता है वो, गाया ना अभी तो गाया। तो म्यूजिक सारा आप ऐसे ही देते हैं? हाँ सर। छोटे बच्चे खड़े हो तो वो तो एक नंबर करना शुरू कर दे। ठीक है यार, इसीलिए लोकतंत्र बना था भारत में कि आप जो अपनी मर्जी का करें कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका जो दिल करे, पर यार हमारे साथ ही करना था। अच्छा तो आप आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, आपकी जगह यहाँ आइए, बैठ बैठ बैठ, आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, आ बैठ, जब तुम बात करो मैं जुए निकालता। अरे यार सीरियसली, आप म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बोल रहे हो? नहीं सर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर है? जी। गाने मैंने बनाए आपने? अभी बनना चाहता हूँ मैं कि बन जाऊंगा शायद, लगता है। पर इसको लेके जाओगे ना प्रेजेंटेशन में अपने साथ? गाने में ऐसे ऐसे मत सुनाओ गाना, तो जेल भी हो सकती भाई इतना मतलब। तो पहली बार किसने आपको बताया ब्रदर आप गाते हैं? हम सर, हमने आपस में सलाह करके, किसी तीसरे बंदे को नहीं सुनाया कभी आज से पहले? यार बहुत क्यूट हो तुम पर। सर आपके साथ सभी डांस करना चाहते हैं हम लोग। करना क्या चाहते हो लाइफ में पहले ये बताओ, गाना गाना चाहते हो?
सर एक बार मस्ती मस्ती मतलब डांस मस्ती करना चाहते हो? मैं इधर मस्ती करने के लिए बैठा हूँ। अब करो यार जो दिल कर। यार तुम्हारा गाना सुन के मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। चलो गुड लक ब्रदर, लगे रहो सीखते रहो, लेकिन गुड गुड, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। आप कह रहे हो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अभी मुझे लगता है आप बहुत अच्छा गाओगे अगर गाओगे तो। हाँ मेरे को लग रहा है। सुना दो भाई। मैंने रैप किया था एक। अच्छा तू ही हो जाए, चार लाइन। अच्छा भाई तू म्यूजिक दे दे, मेरा मोरल थोड़ा अप कर दे। अच्छा आप इनको म्यूजिक दो, ये आपको दुआएं देंगे। चलिए मैंने हाँ नहीं कंटिन्यू कर। मने मने कसम कुरान और गीता की सौगंध राम की खाऊंगा, रणदीप हुड्डा है नाम मेरा, तने इज्जत बड़ी दिलाऊंगा, मैं तो भंग रगड़ के पिया करूं, तन्ने जो चाहिए पियाऊंगा, बोले का हूं मैं भगत बड़ा सीधा कैलाश दिखाऊंगा। क्या बात है, देखा क्या कॉन्फिडेंस दिया तूने मेरे को। सो आप सबको मैंने पहले बताया कि सब लोग बहुत बिजी हैं और अरमान बहुत बिजी है, अभी इसका शो है, इसको डायरेक्ट वहीं पे जाना है। सो अरमान थैंक यू सो मच, अमाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आओ यार, लव यू ब्रदर, बहुत मजा है आपसे मिलके, गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर सॉन्ग। थैंक यू गाइस, बाय जी। और कोई मेरे दोस्त? हेलो कपिल, हेलो रणदीप, हेलो काजल। हेलो, हम यूपी से हैं, मोदी नगर शहर से हैं। काजल मैम मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू। और मेरा छोटा बेटा तो आपका बहुत बड़ा फैन है, वो आपकी सारी पिक्चर देखता है, उसे साउथ इंडियन पिक्चर आपकी बहुत अच्छी लगती है, उसे प्लीज थैंक यू कहिए। रिश्ता लेके आया, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। एक्चुअली मैं अभी तो अपनी फिल्मों में बहुत बिजी हूँ, तो सॉरी मैंने कल शाम को कर लेना। वो तो रुक जाएगा, वो वेट कर लेगा। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपकी बात करवा दूं? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं करवा दो प्लीज, आप प्लीज बात ही करवाओ अब तो। हेलो नितिन। हाँ मम्मी। मैं कपिल के शो से बोल रही हूँ, काजल मेरे सामने बैठी हैं। अच्छा हाँ लीजिए बात करो। हाँ हाँ कराओ बात। जैसे तुमने कहा था उससे भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा बात करें? बात हेलो बात कीजिए, ये लीजिए। हेलो हेलो नितिन। हाँ हाँ काजल मैम। हाय नितिन। हाय मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। सारी फिल्में देखी है जी मैंने आपकी। अच्छा थैंक यू, आप बहुत अच्छे लगते हो मेरे को। अच्छा थैंक यू। अरे काम की बात करना, काम की बात। अरे आपकी मम्मी रिश्ता लेके आई हैं, आपको मंजूर है? मुझे तो मंजूर। अच्छा अच्छा फोन रख। मंजूर है? बैठी बैठी The choice is his. मैंने कहा है मम्मी को कि आपके जैसी लड़की मिलेगी ना मैं तभी शादी करूंगा। अच्छा तो मेरी जैसी ना, ठीक है। नहीं, आप मिलोगे तो फिर सॉरी नितिन, सॉरी लेकिन मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं, नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं है। अपना तुम्हारे सपने का राजकुमार निकला तो नहीं नहीं, मैं आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अभी सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। आवाज कम मत सोचिए, मैं बड़ा अच्छा दिखता हूँ वैसे। हेलो अच्छा इधर एक और लड़की है, डॉक्टर गुलाटी की बेटी, अगर आप कहें तो। अरे उसका तो आपके साथ चल रहा है ना चक्कर। थैंक्स फॉर कॉलिंग नितिन, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yeah, she's scared of both bow and bow. Yeah, both. Kapil Sharma. Kapil Sharma, how did it happen? गजब हो गया। गजब तो उसी दिन हुआ जिस दिन पैदा हुई थी तू। क्या हुआ, हुआ क्या? आपको पता है एक 150 डॉक्टर ने रिजाइन किया, कहते हमें वजन उठाना था, मजदूर ना बन जाते हम लोग। एक बार मुझे एक बात बताइए, इस मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं वो जब पैदा हुए थे उनके बारे में सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप जब पैदा हुए थे उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कैन यू टेल मी हाउ? हाउ? खैर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप मेरे साथ अंदर चलिए। क्या मदद की जरूरत है? नहीं 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 नहीं,
आपकी मदद की मैं क्या करूंगी, रहने दीजिए. नो नो नो, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं. आपसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपकी मदद का मैं अचार डालूंगी. हाय, हेलो एवरीवन. हेलो हेलो. अमाल मलिक. अमाल जी जी. ओ गॉड, मैं आपके सारे गाने फॉलो करती हूँ. मतलब फॉलो मतलब वो ट्विटर पे जो फॉलो वॉलो करते ना, वैसे नहीं, आपके सारे गाने सुन रखे मैंने. थैंक यू. वो भी आपका ही गाना है ना, मतलब ये गाना सुनते ही ना मैं तो एकदम मतलब ही हो गई थी, एकदम सेल्फिश. सच में बहुत सेल्फिश है. नहीं नहीं, मेरी बहन को मैंने अपने सामने ऐसे सीढ़ियों से गिरते हुए देखा, मैंने उसको हाथ ही नहीं लगाया, बिकॉज़ आई एम सेल्फिश. मतलब एक मिनट रणदीप जी, सही में क्या हो रहा है ना कि मुझे एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई अंदर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है. क्या है, हमारे एक सीनियर वाईआर डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाटी. अच्छा. तो उनका वो ऑपरेशन कर रहे थे, अचानक ऑपरेशन करते करते ना ऊपर से एक ऐसे हेलीकॉप्टर गुजरा, तो वो हेलीकॉप्टर को देखने लगे. उन्हें बड़ा शौक है हेलीकॉप्टर देखने का. अब देखते 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 वो एकदम काफी आगे निकल गए हैं और पेशेंट खुला पड़ा है. तो हम चाहते हैं ऑपरेशन आप कंप्लीट कर दें, बस आइए ना थोड़ा सा ऑपरेशन कर. मेरे पिताजी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई. आइए, वो पेशेंट खुला पड़ा है, अच्छा नहीं लगता ना. हाँ आइए आइए, जल्दी आइए, ठीक है. मैं इनको अभी ऑपरेशन खत्म करके लेके आती हूँ. हेलो गाइस, हाय. हेलो. बहुत जरूरी मीटिंग से आ रहा हूँ इसलिए लेट होगा, आई अपोलोजाइज. किस चीज की मीटिंग थी डॉक्टर साहब? वो हमारी पंचर एसोसिएशन वालों की मीटिंग थी. कोई कहता है 5 रुपये रेट रखो, कोई कहता है 10 रुपये रेट रखो. हमने कहा फिर 7 रुपये फिक्स कर लिया है, अब मामला डन हो गया. तो डॉक्टर साहब आप वो तो जैसे पंक्चर के रेट फिक्स कर रहे हो, थप्पड़ क्यों नहीं फिक्स करते? जैसे कोई आपको 2 मार जाता है आके, कोई 5 मार जाता है, तो उसका भी एक फिक्स रखना चाहिए. वो हमारे हाथ में नहीं है, वो क्लाइंट के हाथ में, उसका हम कुछ नहीं कर सकते. उसकी मीटिंग वो करें, ठीक है. काजल, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका ब्रीदिंग टेस्ट करना चाहूँगा. ठीक है, कीजिए. इसके अंदर आप जरा ब्रीद करें. बस 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 बस. ये क्या है? ये आगे जो मरीज आएंगे उसको ऑक्सीजन देने के काम आएगी, तो मैंने इसके अंदर रख लिया. डॉक्टर साहब, डॉक्टर होते हैं वो, देखिए वो रणदीप के पापा बैठे हुए हैं, वो हैं असली डॉक्टर. हेलो सर. मेरे को ना छींकी आ रही है, क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर होते हैं वो, देखिए वो रणदीप के पापा बैठे हुए हैं, वो हैं असली डॉक्टर. हेलो सर. मेरे को ना 5-7 चीजें मुझे आपसे पूछनी थी. आपको कहीं से भी मैं फेक लगता हूँ? नहीं. कभी ऐसे ऑक्सीजन भरता कोई ऐसे बॉटल में? नहीं. अंकल इनसे पूछो कौन से डॉक्टर है, सर्जन है आपके, आप फिजिशियन है, क्या करते हैं आप? आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर ही करता हूँ. I am started from surgery. वो मेरा सारा equipment है, उसके ऊपर जब छेद होता है तो हम उसको पर लगा देते हैं टेप. तो वो इससे ये तो पंक्चर हो गया ना? तो पंक्चर भी तो सर्जरी हुई है ना यार. बाकी मेरी तबीयत खराब होती है तो फिर मैं आपके पास आता हूँ. ठीक है ठीक है, थैंक यू. भाई कपू, ये मैं कैसे आ गया अभी सामने से? मैं तो इधर से आया. मैं डॉक्टर बाल्टी हूँ. हाँ जी, बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, आप नहीं है वो, बहुत बड़े डॉक्टर है. MSBD? MSBD मतलब क्या होता है? मुझसे भी बड़े डॉक्टर. जी हाँ, ये आज AKT करेंगे. AKT आपका टेस्ट. मैं तेरा स्टूल टेस्ट कर देना. स्टूल आओ, स्टूल लेके आओ. बड़े डॉक्टर है भाई. डॉक्टर गुलाटी. हाँ जी. आपका स्टूल टेस्ट करना, बैठो. बैठो, बैठते क्यों नहीं? अब टेस्ट तो करना ही पड़ेगा. डॉक्टर साहब, आपका स्टूल तो बहुत ज्यादा कमजोर है, थोड़ा खाया करो डॉक्टर साहब. हाँ जी, पंचर लगाना कम करो, नहीं तो डॉक्टर की जगह प्रॉब्लम हो सकती है. हाँ जी हाँ जी. नहीं, तुम्हारा अभी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं. अच्छा, ऐसे आओ.
ये कोई डिसेंट टेस्ट नहीं लग रहा है मुझे. तो आपने डिसेंट किया था बोतल में? एक मिनट एक मिनट. आपकी कोनी आपके पीछे लगती है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी. और मेरा डब्बा लिया टिफिन बॉक्स उसमें पैक करने वाले हैं मुझे शायद ये. हाँ जी अच्छा है. इन्होंने बदला ले लिया अपना. ये तो फिर अपना सी फूड हो गया ना. हेलो गुलाटी साहब का स्टाफ कहाँ है? कप्पू मेरे में गुंजल पड़ गई. हेलो आपका डॉक्टर टेढ़ा हुआ. तेरे को तो राम भी नहीं उठा सकता. एक बार अमाल काजल और रणदीप के लिए जोरदार तालियां हो जाए. आप तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू. और ऐसे ही आप आते रहें, मिलते रहें और अच्छा अच्छा काम करते रहें. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.